और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन सीएम सैनी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। इस वक्त बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन सीएम आवास पहुंचा है, सीएम सैनी से मुलाकात करने ये डेलीगेशन पहुंचा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का एक डेलीगेशन सीएम आवास पहुंचा है सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए, और तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन हरियाणा के सीएम आवास पहुंचा है सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए, ये डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर चंडीगढ़ में सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक डेलीगेशन सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। और उधर कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान को शुरू करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अगर कुरुक्षेत्र में कोई भी समस्या है तो हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इन समस्याओं को तुरंत दूर करें। महाअभियान चला है और उसको लेकर के हमारा कुरुक्षेत्र स्वच्छ और स्वस्थ हो, उसको लेकर के हमने हर नागरिक से भी अपील की है कि वो इसके अंदर अपनी भूमिका को अदा करे, ताकि कुरुक्षेत्र के अंदर अगर कहीं कोई समस्या कोई दिक्कत है, हमने प्रशासन के अधिकारियों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया है कि उस समस्या का तुरंत समाधान करें और कोई आवश्यकता उसको पूरा करें। और स्वच्छता के अंदर हमारे कुरुक्षेत्र के सभी लोगों से मैं अपील करूँगा कि स्वच्छता में सहयोग। कुरुक्षेत्र में आज महास्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने शेख चिल्ली मकबरे से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने जिंदल पार्क के सामने थानेश्वर महादेव के पास तक सफाई की और खुद सड़कों पर उतरकर कूड़ा करकट इकट्ठा कर डस्टबिन में डाला। इसके साथ ही शहर के 18 इलाकों में एक साथ महाअभियान शुरू हुआ। दरअसल कल से गीता जयंती महोत्सव शुरू होने वाला है और इसी के मद्देनजर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। तो तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर